एक बार एक आदमी अपने 3 गधों के साथ बाहर जा रहा था ऐसे ही कुछ सामान खरीदने, और फिर उसे रास्ते में एक नदी बहती हुई नजर आई। अब नदी के साफ पानी को देखकर उसका दिल किया कि वो भी उसमें डुबकी लगाए और नहाकर थोड़ा फ्रेश फील करे। बट दिक्कत ये थी कि उसके पास जो रस्सी थी उससे सिर्फ 2 ही गधे किसी पेड़ से बांधे जा सकते थे। अब एक तरफ उसका मन कि नदी में नहाना है, और एक तरफ ये डर कि तीसरे गधे को नहीं बांधा तो वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। उसने काफी इधर उधर देखा मगर उसे कुछ मिला नहीं उसे बांधने के लिए। तो वहां नदी के पास ही एक आदमी आराम करता हुआ उसे देख रहा था। उसने पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों परेशान से लग रहे हो? तो इस आदमी ने कहा कि मैं नदी में नहाना चाहता हूँ मगर मेरे पास जो गधों को बांधने के लिए रस्सी है उससे सिर्फ 2 ही गधे बांधे जा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तीसरे गधे को कैसे बांधूं। तो उस आदमी ने एक ब्रिलियंट सजेशन दिया। उसने कहा कि तुम सिर्फ 2 ही गधों को बांधो और तीसरे गधे को ये दिखाओ कि तुम उन दोनों को बांध रहे हो। इस आदमी को थोड़ा अजीब लगा मगर इसने यही किया। इसने इन दोनों गधों को बांध दिया और नहाने चला गया। अब आकर देखा तो वो गधा जिसे वो खुला छोड़कर चला गया था वो अभी भी वैसा ही खड़ा था जैसे वो 2 गधे खड़े हुए थे, और इस चीज से ये काफी ज्यादा हैरान हुआ। इसके बाद फिर से सामान खरीदने के लिए जब गधों को खोल कर ले जाने लगा और जब दोनों गधे चलने लगे तो इसने पीछे मुड़कर देखा कि वो गधा जिसको इसने बांधा भी नहीं था वो अभी भी उसी पेड़ के पास खड़ा हुआ था। ये उसके पास गया, उसे आवाज वगैरह दी, उसे धक्का भी मारा कि वहां से वो हिल सके, मगर वो गधा वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। फिर ये दोबारा उसी आदमी के पास गया और उससे पूछा कि वो तो वहां से हिल भी नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? तो उस आदमी ने कहा कि क्या तुमने उस गधे को खोला था? तो इसने कहा कि मैंने तो उसे बांधा भी नहीं तो उसको खोलूं कैसे? फिर उसने कहा कि ये तो सिर्फ तुम जानते हो कि तुमने उसे नहीं बांधा, मगर जो उसकी आंखों ने देखा, जो उसके माइंड ने माना, इससे वो अभी भी यही सोचता है कि उसे किसी रस्सी ने पकड़ा हुआ है। तो जाओ और उस रस्सी को खोलने को इमेजिन करो। इसने ऐसा ही किया, और जैसे ही इसने रस्सी को खोलने का नाटक किया तो अब वो गधा दोबारा बाकी गधों के साथ चलना शुरू हो गया। तो देखा दोस्तों, असल में ना हमें पास्ट की जो बातें बांधे रखती है, हमें कोई चीज जो होल्ड करके रखती है, मतलब किसी दूसरे को हमारे ना होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके बावजूद हम उसी सोच में बंधे रहते हैं। ये भी एक इनविजिबल रस्सी ही है जो हमने जबरदस्ती खुद के दिमाग से खुद के पैरों में बांधी हुई है। इन सब चीजों में उलझे मत रहो, आजाद रखो खुद को और इससे आगे बढ़ना सीखो। आपको क्या लगता है कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? रिसोर्सेज की कमी से, अपॉर्चुनिटीज की कमी से, किसी सपोर्ट की कमी से, या फिर खुद के डर से, खुद की हेजिटेशन से, या खुद के शक की वजह से? सबसे जरूरी है कि हम आजाद रहें खुद के मेंटल ब्लॉक से और आगे बढ़कर अपने गोल्स को अचीव करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई होगी, इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो ताकि मेरी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।